दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एमसीक्यू सेट 1 चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12th टर्म 1। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, ऑप्शन है आपके पास मैंडेटरी, बी नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी इन राइटिंग या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाते वक्त हमें एक एग्रीमेंट करना होता है पार्टनर्स के बीच में, तो क्या इस एग्रीमेंट को करना मैंडेटरी होता है पार्टनर्स के लिए या फिर नॉट मैंडेटरी होता है या फिर इसे इन राइटिंग बनाना जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर होगा बी नॉट मैंडेटरी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर्स को ये पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है। एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो इट इज डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल और मैंडेटरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड होना एसेंशियल या मैंडेटरी नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप लॉ, लेकिन ये डिजायरेबल होता है, इसे अच्छा माना जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में होती है तो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो उन फ्यूचर डिस्प्यूट्स को हम पहले एडवांस में ही रोक सकते हैं उन मैटर्स को अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखकर, और उनके बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस हम इन एडवांस ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए ये डिजायरेबल होता है, बट ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ किसी लॉ में कि पार्टनर्स को पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप डीड बनानी मैंडेटरी होती है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा बी नॉट मैंडेटरी। तो आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, आप सभी इसको नोट डाउन करें विद एक्सप्लेनेशन। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले सभी एमसीक्यूज की नोटिफिकेशंस आपके पास रिसीव होती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी क्लास 12th की तैयारी करते रहें। बाय एवरीवन।